वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड टूडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज अपन सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, इसका डिफाइन ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्टकट में अपन क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। डिफाइन ईएमएफ ऑफ ए बैटरी यानी कि बैटरी का जो ईएमएफ है ये क्या होता है, इसको डिफाइन करो। इज इट रियली ए फोर्स, क्या वास्तव में ऐसा कोई फोर्स होता है। एंड वेन इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके कब इक्वल होता है। डिफाइन ईएमएफ ऑफ वन वोल्ट, और वन वोल्ट ईएमएफ किसको कहेंगे, इसके बारे में इतनी सारी चीज़ों के बारे में आज अपने को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये एक बैटरी का एक अपने पास डायग्राम है, इसमें लिखा है ए बैटरी इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल ए एंड बी। देखो ये बैटरी है और इस बैटरी के ये टू टर्मिनल है, ये तो आपका टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया, और ये ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखती है, मेंटेन रखती है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का मतलब क्या है कि एक इसका टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल रहेगा और एक क्या रहता है इसका, लो पोटेंशियल रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही रहता है इसमें, यानी दोनों पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस है ना वो मेंटेन रखती है, कौन, बैटरी। और इसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओके आगे देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस फिगर शोज ए स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए बैटरी ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखना कोई भी बैटरी है उसके अंदर है ना, जैसे अपन कोई बैटरी बनाते हैं तो अपन है ना बहुत सारे जैसे केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, रोड वगैरह। ये जो रोड है एक पॉजिटिव रोड होती है और एक नेगेटिव जिंक की रोड वगैरह होती है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बैटरी बनती है। कि जैसे अपन है ना कोई बैटरी बनाते हैं और जैसे अपन उसमें केमिकल इंक्लूड करते हैं, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे आप केमिकल कोई भी केमिकल लेके और आप है ना जैसे टर्मिनल बनाते हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरे सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है और पॉजिटिव चार्ज है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज चल के आपका कहाँ जाता है, ए पर आ गया मान लो, और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, बी पर आ गया। आगे बात समझ में, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से ये प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से है ना एक पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और एक नेगेटिव टर्मिनल बनता है। लेकिन अभी तक हमने देखो इस बैटरी को सर्किट में जोड़ा नहीं है, बैटरी को सर्किट में बिना जोड़े यानी बैटरी अभी आपकी डिसकनेक्टेड है बाहर से, लेकिन केमिकल की वजह से है ना आपके ना इलेक्ट्रॉन्स मूव, जो चार्ज है वो आपकी मूव होना शुरू हो जाते हैं, और एक प्लेट तो आपकी पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी प्लेट क्या हो जाती है आपकी स्टूडेंट्स, नेगेटिव प्लेट हो जाती है। अब आगे इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन यानी कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ए फोर्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजन। इसका क्या मतलब, यानी कि जैसे अपन है ना एक रोड ली अपन ने जिंक के लिए और एक मान लो कार्बन के लिए, और यहाँ पे इसको मैंने पूरा किसी ZnSO4 वगैरह कुछ भी केमिकल से इसको फिल किया, जैसे मैंने इस केमिकल इन दोनों के बीच में केमिकल या इन दोनों को केमिकल के अंदर डाला, मैंने डालते ही केमिकल रिएक्शन शुरू होती है और इसके अंदर है ना जो जिसे मान लो ZnSO4 है, तो ZN तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, SO4 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो ZN पर है ना फोर्स लगता है, ZN पर फोर्स लगता है, ZN आपका इधर आ जाता है, तो ZN पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाली जगह क्या हो जाता है पॉजिटिव, SO4 आपका इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो वो ना ZN+4 है वो इधर क्यों आता है, एक फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो आपका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो फोर्स क्या है, केमिकल की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स है। तो इस फोर्स को हमने क्या कहा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजन, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्जेस के बीच में होता है ना अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स, वो वाला फोर्स नहीं है, ऐसे ही कोई नॉर्मल फोर्स है और ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ये लगने वाला फोर्स है। तो ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये ना अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है और उस पर है ना चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। दिस फोर्स ड्राइव्स पॉजिटिव चार्जेस टुवार्ड्स द टर्मिनल ए एंड नेगेटिव चार्जेस टुवार्ड्स द टर्मिनल बी।
पॉजिटिव चार्ज है ना वो तो आपके टर्मिनल ए पे आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज है वो टर्मिनल बी पे चले जाते हैं। इस वाले जो फोर्स है ना, जो केमिकल की वजह से लग रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स को अपन क्या नाम दिया स्टूडेंट, एफ एन फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? एफ एन है। इस फोर्स को एक बार ध्यान मत दो, आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डायग्राम में कुछ है क्या, केवल आप इस पर फोर्स दो कि ना पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज पे ये एफ एन किधर लगेगा, इधर लगेगा बी प्लेट पे। तो नेगेटिव चार्ज तो आपका बी प्लेट पे आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, आपका प्लेट ए पे आ जाता है। तो एक प्लेट तो आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और दूसरी प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करना है। अच्छा, इतना करने के बाद में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसकी वजह से भी फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स कूलाम का फोर्स नहीं होता है, वो नॉर्मल ऐसे फोर्स होता है, अपन कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजन, यानी कि उसका उसका जो फोर्स का कारण है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। सपोज द फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, मैंने यहाँ पे एक चार्ज मान लिया क्यू, स्मॉल क्यू एक चार्ज है, उस चार्ज पर है ना वो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ये प्लेट पॉजिटिव बनाई ना अपने, तो यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है तब ये पॉजिटिव प्लेट बनी है, वरना नहीं बनी। जैसे इस तरीके से है आपका, ये एक प्लेट है और ये प्लेट ए होगी, ये प्लेट बी होगी। तो पहले ना तो इस पे कोई चार्ज है ना ही इस पे कोई चार्ज। अब है ना होगा ये कि ये यहाँ पे हमने क्यू चार्ज मान लिया, और इस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है एफ एन, एफ एन फोर्स है वो इधर लगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ गया, इसलिए इस प्लेट को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अच्छा, ये ना पॉजिटिव चार्ज है ना ये इधर आता जाएगा। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अब इस चीज़ को समझना आप लोग ध्यान से, कि आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो उस पे एफ एन फोर्स लगा और वो आगे यहाँ पे प्लस, ये यहाँ आ गया तो ये वाली क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब यहाँ अगर कोई दूसरा फोर्स, कोई चार्ज क्यू है पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो इस पर है ना अब ना दूसरा जो चार्ज आएगा ना उस पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे, एक तो एफ एन लगेगा, एक ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है ना वो इस पर रिपेल यानी इस साइड में भी एक फोर्स लगाएगी, लेकिन प्लस और प्लस के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हमने क्या नाम दिया, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये वाला जो क्यू चार्ज है ना फिर भी इधर आ जाता है, क्यों आ जाता है, अगर एफ एन बड़ा है और एफ ई अगर छोटा है तो ये इधर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, लेकिन अगर एफ एन और एफ ई आपका इक्वल हो जाए, यानी जितना केमिकल इस पर इधर फोर्स लगा रहा है उतना ही ये पॉजिटिव प्लेट इस पर इधर फोर्स लगा रही है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर ये चार्ज का आना जाना क्या हो जाता है, वहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल बैटरीज में होता है, कि आपको क्या लगता है कि नॉर्मल जैसे घर में अपने पास कोई बैटरी है, कोई सेल है, क्या उसमें ना प्रोसेस क्या मतलब एनी टाइम होती रहती है क्या, नहीं होती रहती है। ये प्रोसेस तो जब सेल बनाते हैं ना तभी हो जाती है, जितने पॉजिटिव चार्ज को इधर आना होता है वो सारे इधर आ जाएंगे, और जितने नेगेटिव को इधर जाना है वो सारे इधर चले जाएंगे, उसके बाद में इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस एक बार सारा जितने पॉजिटिव है वो इधर आ गए, जितने नेगेटिव है वो इधर चले गए। अब ना नेगेटिव आप इधर नहीं आ सकते, पॉजिटिव आप इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बैठ जाएंगे, और बस ये केमिकल रिएक्शन के बाद में ये इतना काम हो जाता है, उसके बाद में चार्ज का इधर उधर जाना बंद हो जाता है। तो नॉर्मल बैटरीज में देखो यही होता है कि एक एक तरफ तो ना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के पास तो आना चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या है, केमिकल है तो वो पास में आ नहीं सकते, वो एक दूसरे के पास में आ नहीं सकते, लेकिन वो लगातार कोशिश क्या करते हैं कि मैं ना प्लस और माइनस हम दोनों आपस में मिल जाएं, ये दोनों की कोशिश ये रहती है कि प्लस और माइनस अंदर हम मिल जाएं, लेकिन ऐसा अंदर उनका मिलन होता नहीं। तो अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया मैंने और क्यू इज़ एफ एन, यानी उस पॉजिटिव चार्ज क्यू है और जिस पर फोर्स लग रहा है एफ एन। एज द चार्ज इज बिल्ड अप ऑन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप बिटवीन देम, यानी प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ए टू बी,
कि भाई जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तब यहाँ पे प्लस बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, माइनस। तो अंदर ही अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और बाकी के जो चार्ज है ना, उन पर इधर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स को मैंने क्या नाम दे दिया था, एफ ई। अगर आपसे पूछे एफ ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे क्यू ई। ये आप लोगों ने पढ़ा है, एफ ई इक्वल क्या होगा आपका, क्यू ई। ये वाला फोर्स लिखेगा, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप इन द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ए टू बी, दिस फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ ई इक्वल क्यू ई। यानी ये वाला जो फोर्स है वो आपका एफ ई इक्वल क्यू ई हो जाएगा ऑन द चार्ज क्यू इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ एन। और ये वाला जो फोर्स है ना, वो एफ एन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट मान लो, द चार्जेज स्टॉप्स एक्यूमुलेटिंग फर्दर। कि बैटरी के अंदर जितने चार्ज है ना, ये मैंने आपको अभी बताया था, वापस बता देता हूँ कि यहाँ से इनके बीच में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आना शुरू होंगे। वो कब तक आते रहेंगे, जब तक ना ये दोनों फोर्स क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब है ना एफ एन और एफ ई, ये जो दोनों फोर्स अगर आपके इक्वल हो गए, तब चार्ज का इधर आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर चार्ज आपके जो चार्ज है ना, वो इस साइड में नहीं आएंगे, ना ही आपके नेगेटिव चार्ज इस साइड में जाएंगे। अब चार्ज का इधर उधर जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ एन इक्वल एफ ई पर, ये बंद हो जाता है। तो ये जो ये बैटरी की वर्किंग है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये वर्किंग जो है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जब है ना, अभी आपको मैंने बताया था जैसे कि ये कोई बैटरी के टर्मिनल है और चार्ज आपका मान लो कोई क्यू चार्ज है, वो चल के आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस बन गया था और यहाँ पे क्या बन गया था, माइनस। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, या किसी को भी, या केमिकल को करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो वर्क करना पड़ेगा। यानी इस चार्ज पर क्या किया गया, वर्क किया गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर फोर्स के कौन सा लग रहा है, इधर लग रहा है एफ एन। फोर्स क्या लग रहा है आपका, एफ एन। तो ये फोर्स इस पर जो वर्क डन है वो कितना आ गया, एफ एन इंटू डी। इससे आप इसका वर्क बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसमें आपको पता है कि वर्क डन अभी निकाला था मैंने, एफ एन इंटू डी। आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो वर्क डन अपॉन क्यू, वर्क डन क्या है, एफ एन इंटू डी अपॉन क्यू, ये किसके इक्वल आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम नहीं देंगे, हमने इसको नाम क्या दे दिया, वी नाम ना देके एक अलग से नाम रखा, और इसको क्या नाम दिया, ई नाम दिया। अब इसको ई नाम क्यों दिया, वो मैं आपको देखो समझाता हूँ। कि मान लो ये कोई बैटरी है, ठीक है, इसका ये एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। ध्यान में रखना, जब है ना अंदर से कोई दो बैटरी के केस में अपन है ना ये मान सकते हैं कि दो तरह की दुनिया है, एक तो वो दुनिया जो बाहर वाली है और एक वो दुनिया जो बैटरी के अंदर है। दो तरह के वर्ल्ड हो गए, एक तो बैटरी के बाहर और एक बैटरी के अंदर। हम जब पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो अपन है ना क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए अपन बाहर की दुनिया है वो, यानी कि यहाँ अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो अपन बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो अपने को बाहर से फाइंड करना पड़ेगा। जैसे वोल्ट मीटर लिया, उसका एक हिस्सा यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, और पोटेंशियल निकाल दिया, वो क्या आ गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन बैटरी के अंदर अगर कोई चार्ज वर्क कर रहा है, बैटरी के अंदर अगर कोई चार्ज वर्क कर रहा है और उस वर्क की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। बाहर अगर कोई मान लो कोई सपोज करो कोई भी कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस वो किससे डिनोट करते हैं अपन, वी से। लेकिन बैटरी के जो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मतलब ना चार्ज बी से ए की ओर आया, उसकी उसमें ना वर्क किया, उस वर्क की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। अब चाहे ये पोटेंशियल डिफरेंस ई से डिनोट क्यों किया, उसका कारण ये है कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, ये ना इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आता है। जैसे आपने ना ए और बी को ऐड किया, तो इलेक्ट्रिक ये वाला प्लस है ना, प्लस चार्ज वो आपके इधर से जाके इधर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों,
क्योंकि ये माइनस है ना, इस प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है इस तरीके से। जैसे ये वाला माइनस है और ये वाला यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ से जाने का तो रास्ता है नहीं, अब मैंने इसको रास्ता यहाँ से दे दिया जाने के लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ जाके यहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये प्लस है ना और माइनस, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से ना ये कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ना वो वर्क डन कर रहा है। उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका किससे डिनोट करते हैं, वी से। लेकिन आपने ना यहाँ से कनेक्ट कर नहीं रखा है, सर्किट आपका ओपन है, आपका यहाँ से क्यू चार्ज है जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। क्यू चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, उसकी वजह से वर्क डन, वो वर्क डन किसने किया? केमिकल ने किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस ने नहीं, वर्क डन नहीं किया। किसने किया? केमिकल ने किया। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, वहाँ पे कौन सा फोर्स है? केमिकल फोर्स है, एफ एन है। यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा है? एफ एन है। तो ये वाला वर्क डन थोड़ा सा अलग है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया, ई से। द क्वांटिटी ई इज वेल डब्ल्यू पॉन क्यू इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस ई को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन हालांकि बच्चों ये ई जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स नहीं है, ये ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ठीक है। बस नाम थोड़ा सा क्या है कि इसका नाम है ना वो अलग कर दिया, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते अपन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो भी है वो आपका चल के इधर आ रहा है और मोशन हो रहा है, और फोर्स लग रहा है एफ एन लग रहा है, जो केमिकल लगा है। तो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई एम एफ ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स, यानी इसमें वर्क कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रही है अंदर ही अंदर वर्क। वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल है या हायर पोटेंशियल है? और बैटरी यानी सोर्स है, सोर्स क्या है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट है यानी केमिकल है, वही सोर्स है। वो केमिकल क्या करता है, वर्क करता है, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ई या ई एम एफ, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं अपन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ई एम एफ क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओके, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको साथ में कि ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस, वो कोई भी बैटरी है, चलो ये मैं आगे बताऊँगा, छोड़ो अब आगे इसमें पढ़ो। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाई द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इफ़ टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। यानी कि मैंने इन दोनों टर्मिनलों को बाहर से ऐसे कनेक्ट नहीं कर रखा है उस टाइम, यानी अपने पास कोई सेल है उस टाइम, आपको पता है अभी बताया था मैंने, एफ एन और एफ ई दोनों ही क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एफ एन और एफ ई दोनों ही क्या होते हैं, आपस में दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। अच्छा, FE का फॉर्मूला क्या होगा, QE, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने इधर इधर और इधर तीनों तरफ क्या कर दिया, मैंने D से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो FN को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो FND हो जाएगा, FE को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो FED हो जाएगा, QE को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा QED हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, E into D किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था अपन, V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है, सेकेंड चैप्टर में अपने पढ़ रखा है। तो ई डी की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे V लिख दिया, ई डी की जगह अपन क्या पुट करेंगे, V पुट करेंगे। फिर V क्या है, ई डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो यहाँ देखिए आपका E का फॉर्मूला क्या लिखा, अभी E का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एन डी अपॉन क्यू, FN into D किसके इक्वल है, FED किसके इक्वल है, QED किसके इक्वल है, QV के। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, QV, Q से Q कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, V आ गया। अब देखो आपका जो EMF है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। आपका जो EMF है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई सेल है आपके पास और आपने उसको सर्किट में नहीं लगा रखा और वो सेल है, आप सेल पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि उस सेल का ईएमएफ कितना है, 5 वोल्ट है। उस सेल का दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 5 वोल्ट है। दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपने उस सेल को सर्किट में नहीं लगा रखा, यानी कि आपने उसको सर्किट्स में नहीं जोड़ा हुआ, यानी कि
कोई भी इसमें से ना करंट निकल नहीं रहा है, यानी ये डिसकनेक्टेड है, तब उस टाइम है ना ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उतना ही ईएमएफ होता है सेल का और उतना ही आपका क्या होता है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक नंबर के क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होता है, तो अपन कहेंगे बिल्कुल सेम होता है। फिर आगे अपन बात करते हैं, हैंस द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल, यानी कि ईएमएफ जो है ना वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दोनों टर्मिनलों के बीच में मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ सकता है, 5 वोल्ट आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये वही अपना ईएमएफ होता है, यानी उस टाइम ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट इज इन द ओपन सर्किट व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट इन द सर्किट। बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स पी एंड ए। स्टूडेंट्स बेसिकली एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स पी एंड ए। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक तो इसमें पी इलेक्ट्रोड हो गया और एक इसमें एन इलेक्ट्रोड हो गया, और यहाँ से अपन ने इसको एक रेजिस्टेंस आर जोड़ रखा है अपन ने, और इसमें से करंट आई क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो सेल ये सेल है, और सेल का क्या है एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, सेल का खुद का क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कि जैसे मान लो ये सेल है तो अंदर जब है ना चार्ज आपका ऐसे फ्लो होता है, तो चार्ज को ऐसे फ्लो होने में उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट है ना वो बीच में क्या रहता है रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी सेल है ना उसका सिंबल अपन केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, ये गलत होता है। उसका सिंबल के साथ में आपको ये स्मॉल आर होता है, यहाँ पे कैपिटल आर दे रखा है, ये एक साथ में सिंबल और ऐड करना पड़ता है अपने को। चलो ये आपको मैं बात बता दूंगा, एक बार ये छोड़ो आप इस तरीके से, एक बार इसको ऐसे समझ लो आप, ये आपका पी है और ये क्या आपका एन है, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ रखा है, और इसमें से करंट आई जो है वो क्या हो रहा है आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप इसकी ना थ्योरी तो पढ़ते रहना, मैं आपको ना दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। एक बात बताओ, जैसे कि ये सेल, कोई सेल बनाते हैं, सबसे पहले सेल बन गया तो सेल कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से चार्ज यहाँ से चल के यहाँ तक आया होगा, ठीक है, और वर्क डन कर लिया उसने, ठीक है। अब ना इसको मैंने जैसे सर्किट में लगा दिया और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहे, चार्ज आपके ऐसे हो रहे, मैंने एक वोल्ट मीटर लिया, वो मैंने यहाँ लगाया और दूसरा टर्मिनल मैंने यहाँ लगाया, वो वोल्ट मीटर क्या चेक करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक तो चेक करेगा, यानी कि वो ना चार्ज का ना इतने वर्क डन चेक करेगा केवल, बस इतना। यहाँ मैंने अगर ना वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये वर्क डन कैलकुलेट कर लेगा, यानी यहाँ से चार्ज निकला और वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल तक पहुँचा, तो वर्क डन बाय द चार्ज क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी आ गया। लेकिन एक बात बताओ, चार्ज है ना यहाँ से यहीं तक गया क्या वापस, नहीं, बैटरी को कनेक्ट करने से पहले चार्ज आपका ऐसे पूरा सर्किल बनाया था, चार्ज ने पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस से आपका यहाँ से यहाँ तक। तो अब ना एक बात तो कौन सा वर्क ज़्यादा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक गया ये वाला वर्क ज़्यादा है, या फिर चार्ज आपका पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, तो कौन से वाले केस में चार्ज ने कंप्लीट ज़्यादा वर्क किया, सेकेंड वाले केस में, इसने यहाँ से यहाँ तक जाने वाला वर्क भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर है ना अपन केवल इतना ही वर्क लेते हैं, बस सेल के अंदर कितना वर्क किया उससे हमें अगर मतलब नहीं है, तो हम कहते हैं वो क्या निकाल रहे हैं अपन, उस वर्क से अपन केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप है ना सेल के अंदर वाला वर्क इंक्लूड कर लेते हो, वो वर्क क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, ये वाला वर्क W1 है, बाहर वाला वर्क तो क्या है, इसको नाम देते थे आउटसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बैटरी के बाहर जो ना चार्ज ने कितना वर्क किया, अगर आपने केवल वो वर्क लिया है तब तो निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनलों के बीच में बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आपने इनसाइड का ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आगे वाला, तो यह कंप्लीट मान लो इसको, इनसाइड नहीं पूरा कंप्लीट सर्किल, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी, यानी कंप्लीट सर्किल, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो क्या होगा आपका ई होगा, यानी कि ईएमएफ होगा, इसको आप इसे डिनोट कर देना, यानी कि आपका वो क्या माना जाएगा, ईएमएफ माना जाएगा। ध्यान में रखना ईएमएफ जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है।
ईएमएफ जो है बैटरी की, वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? कि जब अपन ईएमएफ निकालते हैं तो अपन है ना पूरा कंप्लीट वर्क निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग वो मत सोच लेना कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट वर्क तो इसका वो हो गया, जीरो हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट वाला चक्कर नहीं चलेगा यहाँ पे। आप ये सोच रहे हो कि पूरा जैसे डिस्प्लेसमेंट वाला चक्कर ले लेते हैं, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डब्लू अपॉन क्यू, यानी कंप्लीट साइकिल में उसने कितना वर्क किया वो आपका क्या होगा, ईएमएफ बन जाएगा। पर यूनिट चार्ज ने कितना वर्क किया टोटल, वो आपका क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो ध्यान में रखना, ईएमएफ जो है ना बैटरी का ईएमएफ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा। यानी कि अगर आपने कोई ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की है, ठीक है ना, अगर इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको ना 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या मिलेगा, 4.9 वोल्ट ही मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या मिलेगा, 4.9 वोल्ट ही मिलेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट की बैटरी है, ये क्या है, इसका ईएमएफ है। यानी कि बैटरी टोटल, बैटरी के अंदर जो चार्ज है वो टोटल है ना ऐसे घूम के कितना वर्क करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, 5 वोल्ट का बनाएगा। लेकिन यहाँ अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे क्लोज सर्किट में तो ये क्या आएगा, 4.9 वोल्ट ही आएगा अपने पास। लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तब अपने यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी अपन क्या ले लेते हैं, नॉर्मली 5 वोल्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि लगभग दोनों क्या है एक दूसरे के लगभग सेम से ही होते हैं। तो अपन है ना कैलकुलेशन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो दो केस होते हैं, या तो आपका ईएमएफ है ना वो वी के इक्वल होगा, या फिर आपका ईएमएफ है ना वो वी के ग्रेटर देन होगा। इक्वल कब होता है, ओपन सर्किट अगर है, यानी ये वाला वायर यहाँ से डिसकनेक्ट है, यानी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा। फिर वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर सर्किट क्लोज है, ई जो यानी ईएमएफ है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर कब होता है, जब आपने सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर रखा है, और फिर आप है ना यहाँ पे जैसे चेक करोगे ना तो ये वाला वर्क डन ही आएगा, केवल अंदर वाला वर्क नहीं आएगा, वर्क डन कम हो जाएगा, इसलिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा और ईएमएफ सेल का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बस यही थ्योरी है, और इसके ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको समझना है। स्टूडेंट्स अब आगे अपने पास है टॉपिक ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब अपने को डिफरेंस करना है क्या क्या है इसमें। तो पहला जो पॉइंट है, इधर तो मैंने ले लिया ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ ले लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट इज़ द वर्क डन बाई ए शोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कम्प्लीट सर्किट, यानी कि राउंड द कम्प्लीट सर्किट, यानी सेल के अंदर से होता हुआ और बाहर से होता हुआ पूरा जो वर्क है, अगर आप वो वर्क लेकर चार्ज का डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास वो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर पॉइंट, यानी कि बैटरी है और बैटरी के यहाँ से चार्ज को यहाँ तक ले जाने में वर्क है, उतना ही अगर वर्क ले रहे हैं अपन तो वो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ईएमएफ में क्या है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर दिया यहाँ तक और अब बोलो वर्क डन कितना हुआ, वो लेना है। यहाँ आप लोग वो मत समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे जीरो हो गया इसलिए वर्क डन भी आपका जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए। दूसरा पॉइंट, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट, यानी कि ईएमएफ जो है वो कब आता है, जब आपका सर्किट क्या हो, ओपन सर्किट हो, तब है ना अगर आप है ना पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे वोल्ट मीटर से तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका ईएमएफ होगा, यानी कि उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, अपना ईएमएफ होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा किस में निकलता है अपने का, क्लोज सर्किट में निकलता है। यानी सर्किट को क्लोज कर देंगे तो 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट का उसका ईएमएफ है, तो सर्किट में कनेक्ट करने के बाद कंपोनेंट आपको 4.9 ही दिखेगा या 4.8 दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इट एग्जिट्स इवन वेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, यानी ओपन सर्किट में या क्लोज सर्किट में। इट हैज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक ओरिजन, यानी कि ईएमएफ किसकी वजह से आता है, केमिकल की वजह से आता है। जैसे ये दो टर्मिनल है और यहाँ से चार्ज को आपने यहाँ मूव करवाया तो इसकी वजह से ये वाला जो वर्क डन है और उसमें चार्ज का डिवाइड करोगे तो वो क्या आपका ईएमएफ है, और ये वाला कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक।
it originates from the electrostatic field. Electrostatic field set up by the charges accumulated on the two terminals of the source. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन? पहले आप इसको ऐसे कनेक्ट करो, फिर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर ऐसे डायरेक्ट जाने का तो रास्ता है नहीं, तो वो घूम के ऐसे चले जाते हैं. इट इज कॉज व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड. यानी कि सर्किट में जब अपन ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो सर्किट में अगर कहीं रेजिस्टेंस है तो वहाँ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है. तो ईएमएफ तो खुद एक कारण होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है कि इस ईएमएफ का क्या इफेक्ट आया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इफेक्ट है, और ये क्या है, खुद एक कारण है, इट इज़ अ कॉज. सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज, एक सेकेंड, सिक्स्थ जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू सेटअप करंट थ्रू द सर्किट. यानी कि जैसे मान लो ये सर्किट है कोई ऐसे, तो इसका ईएमएफ बताना है, तो आप है ना यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लोगे प्लस इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो और लोगे, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ईएमएफ बन जाएगा. समझ गए? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, केवल इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. एवरी सर्किट कंपोनेंट सेट्स इट्स ओवन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स. यानी इसके एंड और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन वो आपका ईएमएफ नहीं होगा. ईएमएफ के लिए आपको इसके अंदर का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा. बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी के बाहर का भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट. यानी ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा क्या होता है, लार्जर होता है, यानी बड़ा होता है. इट इज़ ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अगर कोई बैटरी 5 वोल्ट की है, उसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो उसको किसी भी सर्किट में लगा देना, ईएमएफ उसका 5 वोल्ट ही रहेगा. लेकिन इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ. पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सर्किट में अगर आपने लगा दिया उसको, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कम ही होता है ईएमएफ से. जैसे यहाँ पे आपका ना 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो आपको 4.9 ही मिलेगा सर्किट में ऐड करने के बाद. तो ये जो 8 पॉइंट्स है, इन पर 8 पॉइंट्स पे हमेशा कोई एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन बनता ही है, और क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसका आप लोग ध्यान में रखना. आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो आएगा ओम्स लॉ. ओम्स लॉ जो आपने पढ़े ना वो आएगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन में करवाएंगे. थैंक यू वेरी मच.